हेलो गैमर्स, वेलकम टू गैमर फेस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हीकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस गाइड। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपना जो बिजनेस है व्हीकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब अच्छे पैसे कैसे बना सकते हैं उसमें। और कुछ ही थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर करके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, जितने आप नॉर्मली बनाते हैं उससे डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बहुत मामूली सी चीज़ें हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ज़रा भी स्किप ना करें, नहीं तो पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम अपने ऑफ़िस चलते हैं। तो ऑफ़िस ख़रीदने की, ऑफ़िस कैसे बाय करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना। और वेयर हाउस की भी मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले जब हम अपने उस पे जाते हैं, हमें जाना होगा अपने ऑफिस, ऑफिस में चलते हैं। फिर उसके बाद में गाड़ी चुराने के लिए हमें गाड़ी का सोर्स चाहिए, तो वो सोर्स हमें मिलेगा हमारे कंप्यूटर से, यानी जो हमारा नेटवर्क है सिक्योर सर्व के नाम से। तो आ गए हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गैमर फैज इंडस्ट्री। तो यहाँ पर चलिए पहले कर लेते हैं हम लॉगिन। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना बिजनेस के मैंने कितने पैसे इससे कमाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने इससे कमाए हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, काफ़ी जल्दी पैसे बनते हैं इसमें। तो ये हमारा व्हीकल कार्गो बिजनेस। तो यहाँ पर मैंने देखिए इससे 75 लाख रुपए कमाए हैं अभी तक। तो जो मेरा वेयर हाउस है वो भी इस टाइम फुल पड़ा हुआ है, उसमें 39 गाड़ी हैं, और ये अब जो मैं चुराने वाला हूँ इसके बाद 40 गाड़ी पूरी हो जाएंगी, तो वो गैराज फुल हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से हम जो ग्रीन कलर का सोर्स व्हीकल आ रहा है, यहाँ से सोर्स व्हीकल कर सकते हैं। और ये मैं गैराज की डिटेल दिखा रहा हूँ आपको, वेयर हाउस की। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 40 में से 39 गाड़ियाँ हमारे पास फुल हैं। तो करंट वैल्यू जो है हमारी 9,10,000 रुपये है जो हमारे इस टाइम। तो यहाँ से सोर्स व्हीकल करते हैं, तो इसको कंफर्म कर देते हैं, तो हमें एक गाड़ी का सोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट कॉर्नर में जो आ रहा है T20 है गाड़ी का नाम, और टॉप रेंज की गाड़ी है, तो इसको हमें चुराना होगा। तो कैसे चुराते हैं वो हमें अभी बाहर जाकर हमारी सेक्रेटरी हमें फ़ोन करेगी तो वो बताएगी। तो चुराने का क्या है कि हर बार अलग अलग तरह से हमें गाड़ियाँ चुरानी पड़ती हैं, कभी किसी के घर से चुरानी होती है, कभी रोड पे चलती हुई गाड़ी को चुराना होता है, कभी रेस में गाड़ियाँ चलती रहती हैं जो रेसिंग ग्राउंड होता है उसमें से गाड़ी को लेकर आना होता है। तो अलग अलग तरह से होता है, तो हर बार आपको कुछ अलग ही करने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे गेम के अंदर। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हमारी सेक्रेटरी हमें बता रही है कि इस गाड़ी के बारे में। तो इस गाड़ी का क्या सीन है कि ये हमें एक पहले इसके लिए चुराने के लिए हमें एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कार्गो बॉब। तो हमें पहले उसको लेने के लिए जाना होगा, क्योंकि हमें इस गाड़ी को लिफ्ट करके लेके आना हो पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जहाँ से हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो चलिए आ गए हैं हम यहाँ पर जहाँ पर हमें वो हेलीकॉप्टर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी वालों से हमारा पंगा होगा, उनको हमें गोलियाँ खिलानी पड़ेंगी, थोड़ी सी खिला देंगे तो ज़्यादा बात बिगड़ेगी नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए यहाँ पर से मैं इनको निपटा के फिर लेकर निकलता हूँ। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, चलिए कोई नहीं, मैं इन्हें आसानी के साथ निपटा दूँगा। तो यहाँ से हम इस चॉपर को लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें वो गाड़ी मिलेगी। तो इसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब हम गाड़ी चुराते हैं मतलब स्टील करते हैं कहीं से, या फिर हम उस गाड़ी को डिलीवर करने जा रहे होते हैं, तो हमें गाड़ी को देखना होता है कि उसके अंदर डैमेज ना हो, क्योंकि अब चुराते टाइम अगर डैमेज होगा तो हमें रिपेयरिंग के पैसे देने पड़ेंगे। और एक्सपोर्ट करते टाइम जब हम कस्टमर को एक्सपोर्ट करने जा रहे होंगे उस टाइम उसके अंदर डैमेज होगा तो हमारे कमीशन में से काटा जाएगा। तो ध्यान रहे कि गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाएँ। और इसके पीछे कुछ ऐसा भी होता है, जब हम गाड़ियाँ चुरा के जाके लेकर जाते हैं तब भी कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और जब हम गाड़ी को डिलीवर करने जाते हैं तब भी कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनसे बहुत तेज़ जाना होता है हमें, क्योंकि हम उन्हें मार देंगे तो फिर से वो हमारे पीछे आ जाएंगे। तो इस वाले मिशन में ऐसे ही होता है, देखो दो पीछे जो है, दो मेरे पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो पड़ गए हैं, और वो मशीन गन से बुरी तरह से फायरिंग करते हैं, तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि अभी देखिए इन्होंने मुझे मार ही दिया मतलब। तो चलिए मैं फ़िलहाल इनको मार देता हूँ, वरना मुझे ये गाड़ी भी नहीं उठाने देंगे। तो मारने के बाद भी ऐसा होता है कि 15-20 सेकंड बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं, तो मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता, खामोखा हमारी गोलियां खर्च हो जाती हैं, और ज़्यादा मतलब पैसे हमारे खर्च होंगे, जितनी गोलियां खर्च होंगी उतने पैसे की फिर हमें ख़रीदनी पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ से मैं गाड़ी को उठा लेता हूँ जल्दी से, इससे पहले कि वो दोबारा आ जाएँ। तो बस यही ध्यान रखना पड़ता है इस बिज़नेस के अंदर कि कोई हम पे अटैक ना करे, और जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल सही सलामत हम डिलीवर कर दें, या चुरा रहे हैं तो हम जो है वेयर हाउस तक डिलीवर कर दें।
तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप गाड़ी को सही से चलाओ। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो आप इस बिज़नेस में बहुत ही कमाल पैसे कमा सकते हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ हैं उसको डैमेज से बचाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो चलिए यहाँ पर मैं चला लेता हूँ गाड़ी, मैं फिर भी ठीक ठाक सी चला लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन 5,000 के आसपास मेरा नुकसान हो चुका है, तो इससे ज़्यादा का मैं बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो वेयर हाउस है वो आ गया है, तो चलिए गाड़ी हो चुकी है हमारी डिलीवर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना वेयर हाउस। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ी वीडियो तेज़ तेज़ करके बनाई, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, 15-20 मिनट के आसपास की बैठती वीडियो। अब भी ये 10-11 मिनट की बैठेगी, तो कोई बात नहीं। चलो फिर भी वैसे मैं बहुत अच्छे क्लियर मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारा वेयर हाउस है इसके अंदर भी हमारा एक छोटा सा केबिन है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं अपना, वो हम अपने कस्टमर ढूंढते हैं। तो जो हमारी गाड़ियाँ हमने चुरा कर यहाँ पर स्टोर की हुई हैं, ये हमारा मैकेनिक है, जो हम गाड़ी चुरा के लाते हैं उसमें कुछ डैमेज होता है तो ये ठीक करके उसको वापस से तैयार कर देता है, लेकिन ये उसके पैसे लेता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर हमें फिर से लॉगिन करना होगा। तो ये एक हमारा छोटा सा ऑफिस वेयर हाउस के अंदर है जहाँ से हम गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम गाड़ियों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं वो 3 रेंज में होती है, एक स्टैंडर्ड रेंज होती है और एक मिड रेंज होती है, एक टॉप रेंज होती है। तो इनका प्राइस जो होता है वो भी 3 कैटेगरी में होता है। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे कि अब ये स्टैंडर्ड रेंज वाली जो गाड़ी है ये 15,000 की है, लेकिन अगर हम इसमें 3750 की मॉडिफिकेशन कर देंगे तो ये 26,500 की बिक जाएगी, और अगर 7500 रुपये की मॉडिंग कर देंगे तो ये 37,500 की बिक जाएगी। तो देखिए 15,000 की गाड़ी 37,000 में बिक रही है, तो उसमें सिर्फ 7,500 रुपये का हमें वो लगाना पड़ रहा है, यानी कि 30,000 रुपये डबल पैसे हो रहे हैं हमारे। ऐसे ही हम तीनों रेंज की गाड़ियों के साथ हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अपनी गाड़ियों को जो है वो जो तीसरा वाला ऑप्शन होता है उसी पे करके बेचें, तो उससे क्या होगा हमारे थोड़े से पैसे जाएंगे मॉडिफिकेशन में, लेकिन हमारा जो वहाँ से कमीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मिड रेंज की गाड़ी है, इसकी नॉर्मल प्राइस जो है वो 25,000 है, लेकिन अगर हम इसको 6,000 की मॉडिफिकेशन करेंगे 43 हो जाएगा, और अगर हम इसमें 12,000 की करेंगे तो ये हो जाएगा 62, यानी कि बिल्कुल डबल हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी टॉप रेंज की गाड़ी होती है, उसकी जो बेसिक प्राइस होती है वो 40,000 होती है, प्लस उसमें हमें 20,000 रुपये की मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर वो पूरी 1,00,000 रुपये का कमीशन हो जाता है हमारा। तो उससे क्या हुआ हमारा कि 80,000 रुपये हमारे बने, 20,000 उसके अगर हम हटा दें मॉडिफिकेशन के, तो हमारे 80,000 हो गए, यानी कि 40 की गाड़ी हम 80 में बेच रहे हैं। तो हमारे जो 80,000 रुपये हैं उसमें से 5-10 हज़ार का नुकसान हो भी जाता है गाड़ी में लाने में और ले जाने में, अगर 10 का भी मान लो फिर भी हमें 70,000 रुपये निखर्च बच जाएंगे। तो बहुत जल्दी पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, व्हीकल वेयर हाउस मतलब व्हीकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। अब इसको आपको यहाँ पर करना होता है तीसरा जो है ये कमीशन ऑफर 1,00,000 वाला, इसमें 20,000 रुपये की मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं उन सबको चेंज करना होता है, बाकी आप कैसा करो क्या करो कुछ करो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन चेंज होनी चाहिए हर चीज़। तो जल्दी से हम कलर वलर कोई सा भी चेंज कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हर कैटेगरी में कि एक चीज़ चेंज कर दो बाकी बैक कर दो, फिर उसके बाद डन हो जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ये तीनों रेंज की गाड़ी हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम टॉप रेंज की गाड़ी बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो कैसे हम ये ऐसा काम करें कि हमें सिर्फ टॉप रेंज की ही गाड़ियाँ मिले। उसके ऊपर मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो लोग बोलेंगे फेक है ये है वो एडिट करके बनाई है, तो उसमें पता नहीं चल पाएगा। तो मैं बनाऊँगा एक मतलब लाइव स्ट्रीम करूँगा तकरीबन 1 घंटे की, उसमें मैं दिखाऊँगा आपको कि कैसे मुझे हर गाड़ी टॉप रेंज की ही मिलती है चुराने के लिए, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, क्योंकि टॉप रेंज की गाड़ी में 1,00,000 का कमीशन होता है, एक गाड़ी डिलीवर कर दी 1,00,000 हो गए। तो उसके ऊपर मैं जल्दी लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो चलिए यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो पहुँचने वाली है अपनी मंजिल पे। तो इसमें भी ऐसे ही 5,000 का नुकसान हमारा हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर जो पीछे गाड़ियाँ आती हैं बस इन्हीं से बचना होता है आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आप गाड़ी अच्छे से चला के तेज़ी से भगा के ले जाओ, या फिर आप उनको रुक के कहीं एक जगह अपनी गाड़ी को पार्क करके अच्छी जगह, और फिर उनसे लड़ सकते हो, उनको मार के किल करके जैसे भी है फिर आप गाड़ी को डिलीवर कर सकते हो। तो बाकी ये आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर 95,000 रुपये हमारे आ चुके हैं, 25-20 हज़ार रुपये हमारे मॉडिफिकेशन में लगे, तो 75,000 रुपये हमारे
निखर्चे बच गए हमें, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो इससे बहुत जल्दी पैसे बनते हैं। और इसी के ज़रिए मैंने बहुत सारा बिजनेस अपना फैला लिया है। एक और बिजनेस मैंने कर लिया, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, और आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में मुझे बताना अगर कुछ भी पूछना हो तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट पढ़ने के बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।